A very warm good morning to all the students. So, in the previous lecture we have discussed the electrical properties of solids. Today we will discuss the magnetic properties of solids. हर एक substance कुछ ना कुछ magnetic properties को अपने साथ associate रखता है और इन सब magnetic properties का origin lie करता है हमारे electrons में. हर एक electron एक atom में एक tiny magnet की तरह behave करता है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉन की वो दो वजह से होती है. एक उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियस के अराउंड और उसी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस. जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो एक क्लोज रूप या समान रूप ऑफ करंट बनाएगा जिसके अंदर कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है. सो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक परमानेंट स्पिन और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा इस मैग्नेटिक मूवमेंट का वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन और न्यूबी. ऑन द बेसिस ऑफ कि सॉलिड के साथ जो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड है वो कैसी है, हम मैग्नेटिक के करेक्टर्स के साथ सॉलिड्स को पाँच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जब वो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आए और वीकली रिपेल्ड हों, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उनकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, डायमैग्नेटिज्म. और उनकी प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करेंगे उसको कहेंगे डायमैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिज्म बस उन्हीं सब्सटेंसेस के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है जिनके अंदर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो. द मैग्नेटिक मूवमेंट जो एक डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा एक डायरेक्शन में वो कैंसिल हो जाएगा उसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ. नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंसेस जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो वीकली अट्रैक्ट हो टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और प्रॉपर्टी को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म. दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय दो सब्सटेंसेस हुज एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दीज सब्सटेंसेस लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करने वाले सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक. ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाए उस तरफ उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पूरी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म. दीज सब्सटेंसेस रिमेन परमानेंट मैग्नेटाइज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो परमानेंटली मैग्नेटाइज रहते हैं चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो. इट मीन्स कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन जो होगी वो परमानेंटली अलाइंड रहेगी एक ही दिशा में, जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिज्म जो होता है वो परमानेंट रहता है. नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. कुछ सब्सटेंसेस जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, जीरो. ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स. उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स इक्वल नंबर में तो होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, उनकी ऑपोजिट होगी एज शोन इन फिगर. लास्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द लार्ज मैग्नेटिज्म, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमें लगता है कि उनकी मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन एक्चुअल में जो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑपोजिट डायरेक्शन वो बहुत ही अनइक्वल नंबर में होती है, जिसकी वजह से उनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है. विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर. Thank you students and have a very nice day.